देखिए, सोशलिस्ट पार्टी इंडिया इस बार उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव में 3 चुनाव क्षेत्रों से चुनाव लड़ रही है। लखनऊ उत्तर से हमारी उम्मीदवार है रानी सिद्दीकी, जिन्होंने नागरिकता संशोधन अधिनियम और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के खिलाफ जो देशव्यापी आंदोलन चला था उसमें लखनऊ के घंटाघर आंदोलन में शिरकत की थी। संडीला से मुन्नालाल शुक्ला जी लड़ रहे हैं, जिन्होंने खुले पशुओं का मुद्दा काफ़ी गंभीरता से वहाँ पे उठाया, मतलब इस हद तक उठाया कि सोशलिस्ट पार्टी इंडिया के 20 कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए, उनको अपनी जमानत करानी पड़ी और गांव-गांव लोग खुले पशुओं से परेशान हैं। जब वो अपने खेतों को सुरक्षित करने के लिए ब्लेड वाले तार लगाते हैं तो सरकार ने उन तारों पर प्रतिबंध लगा दिया है, वो कोई किसान लगाएगा तो उसके ऊपर जुर्माना है, तो किसान बुरी तरह से परेशान है। रात रात भर जग के वो अपना खेत बचा रहा है और उसमें लोग घायल भी हो जा रहे हैं, पशु भी घायल हो जा रहे हैं। गाय जो है गौशालाओं में रखी जाती है, वहाँ खिलाने की व्यवस्था नहीं है, वो भूख से मर रही हैं या फिर वो सड़कों पे आती हैं, एक्सीडेंट होता है उसमें मरती हैं। तो जो योगी आदित्यनाथ की मंशा थी गौ रक्षा की, वो तो पूरी नहीं हो रही, उल्टे पशु भी परेशान हैं और मनुष्य भी परेशान है। और इन्हीं मुद्दों पे अनिल मिश्रा जी चुनाव लड़ रहे हैं बागरमऊ से। हमारे साथ वही लोग हैं जिन्होंने जमीनी स्तर पे काम किया है। इस मायने में हमारी पार्टी फ़र्क है कि हम अपने काम के आधार पे हम वोट मांग रहे हैं। हम जो दूसरे किस्म की राजनीति है, चाहे वो जाति या धर्म की या पैसे के आधार पर, हम वो राजनीति कर भी नहीं सकते, ना हमारी क्षमता है कि उतने पैसे हम चुनाव में लगा सकें। इसलिए बहुत साधारण तरीके से लोगों से जाके मिल के, उनसे बात करके, छोटे छोटे समूहों में अपना पर्चा, अपना पोस्टर दे के हमारा प्रचार चल रहा है और काफ़ी अच्छा चल रहा है। हम अपने मुद्दों को तो उठा पा रहे हैं और उम्मीद है कि किसी दिन हम उत्तर प्रदेश की राजनीतिक तस्वीर को बदलेंगे और एक ऐसा राजनीतिक विकल्प पेश करेंगे जनता के सामने जो जनता के मुद्दों को उठाएगा ही नहीं, उनका समाधान भी करेगा, भले ही सत्ता में रहे या सत्ता में न रहे। धन्यवाद।